हम कौन सा पढ़ेंगे, क्लास टेंथ का अध्याय 5 समांतर श्रेणी। तो देखो बढ़िया तरीके से पहले समझो समांतर श्रेणी क्या होती है। सबसे पहले क्या करेंगे, समांतर श्रेणी को एपी बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं एपी, ठीक है। तो एपी क्या होती है, समांतर श्रेणी। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ देखो 2, 4, 6, 8। अब एक चीज देखो, समांतर श्रेणी 2 और 4 के बीच में अंतर कितने का है, 2 का। 4 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। 6 और 8 में कितने का अंतर है, 2 का। तो ये हमारी समांतर श्रेणी है क्योंकि इनके बीच में जो अंतर है वो समान आ रहा है, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे दूसरी चीज लेता हूँ, मान लो 5, फिर हम ले लो 8, फिर हम ले लो 12। अब देखो आप चेक करें कि ये समांतर श्रेणी है, 5 के बाद कितने का गैप है, 5 और 8 में 3 का गैप है, 8 और 12 में कितने का गैप है, 4 का गैप है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्यों, अगर इनके बीच का अंतर समान आ रहा है तो समांतर श्रेणी है, और अगर अंतर समान नहीं आ रहा तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे मैं एक और ले रहा हूँ 3, 6, 9, 12। तो देखो 3 और 6 के बीच में अंतर कितने का है, 3 का। 6 और 9 के बीच में 3 का, 9 और 12 के बीच में 3 का। तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। जैसे हम एक और ले लो 15, 20, 22, 25। अब देखो यहाँ पे 15 और 20 में अंतर कितने का है, 5 का। 20 और 22 में अंतर है, 2 का। 22 और 25 में अंतर कितने का है, 3 का। तो देखो पहले 5 का अंतर आया, फिर 2 का आया, फिर 3 का आया। ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है, ये हमारी एपी नहीं है, ठीक। तो एपी तो क्लियर हो गई होगी समांतर श्रेणी क्या होती है, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एपी तो हमारी क्लियर। आप समझो एक फॉर्मूला बनता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला बनता है। तो देखो ये फॉर्मूला कहाँ से बना, तो जो ए है ना, ये ए वाला ए, तो ये ए हमेशा ये वाला पहला जो पद होता है, ये पहला पद होता है, कौन सा, पहला पद। तो ए को हमेशा हम बोलते हैं पहला पद, कौन सा, पहला पद, ठीक। उसके बाद ये डी है, जो डी 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 कौन सा होता है, जो बीच का अंतर है। देखो जो ये बीच का अंतर निकाला था 3, ये डी, इसे हम बोलते हैं सार अंतर, क्या, सार अंतर। जैसे ये बीच का अंतर जो निकाला था हमने, इन दो के बीच का अंतर कितना है, 3, 3, ये अंतर कितना है, 3। तो डी हमारा हो जाता है सार अंतर। अब इसके बाद आया एन, एन का मतलब होता है कि किताब में तुम्हें देगा कि दसवां पद ज्ञात करो, जो पद निकालना होता है, जैसे बोलते दसवां पद, दसवां पद ज्ञात करो, तो दसवां ये एन हो जाएगा हमारा, क्या, एन बराबर 10 हो जाएगा। बोलते 25वां पद ज्ञात करो, तो ये एन बराबर कितना हो जाएगा, 25वां पद, ठीक है। 25वां पद बोल दे तो 25वां पद ज्ञात करो, तो ये, ठीक है। लेकिन ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी तो हमने तुम्हें बताया था ए क्या है, ए पहला पद, ठीक। एन क्या है, जो पद तुमसे निकलवाया जाएगा, एन बराबर 10, एन बराबर कल 25वां पद ज्ञात करो, 10वां पद ज्ञात करो। डी क्या है, डी इन दो, इन दोनों के बीच का अंतर, डी वाला 5 और 8 के बीच का अंतर, 3 और 6 के बीच का अंतर, को हम क्या बोलते हैं, डी, इनका ये अंतर होता है, ये सार्वांतर बोलते हैं इसे, क्या, डी को बोलते हैं सार्वांतर, सार्वांतर, सार्वांतर ये हो जाएगा, ये पहला पद होता है, पहला पद, ठीक। ये तो बेसिक था, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इनके, ठीक है। अब देखो बेसिक बता दिया हमने, इसे हटा दे रहा हूं।